राधे राधे हरे कृष्णा, राजस्थानी तीर्थ त्यौहार में। देखिए मैं आज गाजर को सुखाने जा रही हूँ, वो भी गर्मी के लिए, क्योंकि गर्मी में हमारे को गाजर मिलती नहीं है, तो इसलिए हम गाजर का अचार डालेंगे गर्मी के अंदर इसको पानी वाला। तो देखते रहिए, मैंने पूरी गाजर छील ली है, छील के और ये धो भी ली है, और चाहे तो आप इसको बगैर धोए भी काट सकते हो, क्योंकि हमको जो गाजर अचार डालना है तो हमारे को ये बाद में भी धोनी पड़ेगी अच्छे से, क्योंकि थोड़ी बहुत धूल मिट्टी हो जाती है। तो इस तरीके से हम काटेंगे इनको। हमको इतनी बड़ी बड़ी काटनी है इसको, ये इतनी बड़ी बड़ी इसको काट के हमको सुखानी है, और ज़्यादा ज़्यादा मोटी नहीं काटनी है, हमारे को ठीक ठीक काटनी है इस तरीके से। तो ये देखिए, इस तरीके से अचार आप गर्मी में भी डाल सकते हो, काजी बहुत अच्छी लगती है इसकी गर्मी के अंदर, मैंने बहुत खाई है बचपन के अंदर, मेरे दादा डालते थे तो हम बहुत अच्छे से पीते थे, गर्मी पड़ती इतनी तेज़ तो उसमें से पानी निकाल निकाल के पीते थे और गाजर भी खाते थे। और इस तरीके से मैं सारी गाजर काट लूँगी। गाजर काट लिए, यह है एक किलो से ज़्यादा है, ये 1.5 किलो गाजर है। आपको भी ज़्यादा नहीं सुखानी है गाजर, क्योंकि हमारी गाजर आ जाती है फिर, पर आती है जब बहुत महंगी मिलती है गाजर। तो इस तरीके से हम इस गाजर को इस तरीके से सुखाएंगे कि आप गर्मी में आसानी से इसका कांजी का अचार डाल सकें। और बचपन में मैंने बहुत खाया, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। वही देखिए, मैंने सुखा के रखी है गाजर, थोड़ी बहुत इस तरीके की हो जाती है। ये देखिए, जैसे ही हम इसको पानी में डालेंगे तो ये हमारी गाजर लाल हो जाएगी और फूल जाएगी। और इस तरीके से हमने लहसुन भी सुखाया है, इसमें लहसुन भी डालेंगे और हम गीला अचार भी डाल के रखेंगे, कम तेल वाला, और कांजी भी रखेंगे जब तक हमारे 2 महीने होंगे, जब तक हमारी गर्मी फूल आ जाएगी, फिर हम इसका अचार डालेंगे। तो राधे राधे हरे कृष्णा, राजस्थानी तीर्थ त्यौहार रेसिपी में देखते रहिए गाजर सुखाने का तरीका। इस तरीके से आपको सुखानी है इस गाजर को, बस ये गाजर इस तरीके की हो जाएगी आपकी गाजर। तो देखिए, मैंने ये थोड़ी सी सुखाई थी, तो ये देखिए अभी और सुखाई है, बस ज़्यादा नहीं, 1.5 किलो गाजर सुखाई है। और इसी तरीके से आप भी सुखाएं।